हेलो स्टूडेंट्स, तो अमाइंस की बेसिक नेचर अपन कर रहे हैं। उसमें अपन ने एराइल अमाइंस को कंपेयर कर लिया एलिफेटिक अमाइंस से कि एराइल अमाइंस जो है वीकर बेस होते हैं एलिफेटिक अमाइंस से। ठीक है, तो एनिलीन की बेसिक बिहेवियर को हमने डिस्कस कर लिए, एरोमेटिक अमाइंस की बेसिक बिहेवियर को डिस्कस कर लिए। अब हमको देखना है कि एरोमेटिक अमाइंस के बेसिक बिहेवियर पर यानी कि उनकी बेसिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर अपन बेंजीन में उनकी जो बेंजीन रिंग है उसमें कोई अगर ग्रुप लगाते हैं तो अगर वो ग्रुप जो लगाए जो कि सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाए वो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को किस तरह से अफेक्ट करता है ये हमको समझना है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हमको देखना है, आ गया। अब इसको एनिलीन के एग्जांपल से अपन इनको समझेंगे। ठीक है, एनिलीन का एग्जांपल लेके और फिर समझते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर मान लीजिए ग्रुप है अपना, कैसे देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दो नेचर का होगा, दो टाइप का होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है जो हम कर रहे हैं कि जो हम ये ग्रुप जो हम लगा रहे हैं, ये ग्रुप हमको लगाने हैं कहां पर, पैरा पोजिशन पे लगाने हैं। वैसे ये ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी लगाए जा सकते हैं, बट मेटा पोजिशन पे, है ना, बेंजीन रिंग के मेटा पोजिशन पे अगर बात करें तो मेटा पोजिशन पे अगर हम बात करें मेटा पोजिशन पे तो मेटा पोजिशन पे इस ग्रुप का उतना इफेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया अपन ने, अगर मेटा पोजिशन पे लगाया तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस ऑब्जर्व ही नहीं होता। तो मेन जो हमारा रहेगा फोकस वो ऑर्थो पैरा पे रहता है। ठीक है, मेटा पे जनरली हम नहीं लगाते कि उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता नहीं है, तो मेटा पे तो लगाएंगे नहीं। अब बस्ती ऑर्थो एंड पैरा। अब ऑर्थो में भी क्या है कि ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट होता है, ऑर्थो पोजीशन पे लगने से कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा कुछ नहीं आता है, तो कुछ डिफरेंट आता है। तो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट जनरेट करता है, बट ऑर्थो इफेक्ट हमारे 12th एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए अब हम ग्रुप को केवल पैरा पोजिशन पे रख के ही उसका इफेक्ट समझेंगे। ठीक है, तो हमको कहां समझना है, केवल पैरा पोजिशन पे समझना है। ठीक है, आओ देखो पैरा पोजिशन पे ग्रुप को लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई ग्रुप लगाया पैरा पोजिशन पे, दो तरह केस है, एक बार ग्रुप लेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक बार लेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये भी मान लीजिए ये हमारी एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन है और यहां है ना हमने बात कर ली ऑर्थो पोजिशन पे ऑर्थो इफेक्ट बन जाता है, तो वो चीजें तक कुछ डिफरेंट हो जाती है, मेटा पे इफेक्ट आता नहीं है इतना। ठीक है, तो बचा कौन सा पैरा, ऑर्थो वाला हमारे 12th सिलेबस में नहीं है इसलिए हम पैरा पे ही लगा रहे हैं ग्रुप को, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए पैरा पे हमने कोई ग्रुप लगाया ईडीजी, ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, कैसा ग्रुप लगाया हमने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये कोई ग्रुप लगाया। अगर ये ग्रुप लगाएंगे तो ये ग्रुप क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे यहां से रिंग से होते हुए फाइनली कहां तक, NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन तक पहुंचेंगे, और फिर वहां से अब इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दें या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बोल दें, तो ये ईडीजी ग्रुप क्या करता है, एलपीए को, एलपीए मतलब लोन पेयर अवेलेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देगा। आने वाले से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो लोन पेयर डोनेट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये हुई, साथ में जब भी बेसिक स्ट्रेंथ एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो बनने वाले की स्टेबिलिटी भी देखी जाती है, बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड या कॉन्जुगेट बेस जो भी है उसकी भी स्टेबिलिटी मैटर करती है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर इसका अपन देखें, है ना, क्या बनेगा, सी ए कॉन्जुगेटेड एसिड, एच प्लस गेन करके
एच प्लस गेन करके क्या बन जाएगा, इसने एच प्लस को गेन किया और बन जाएगा एनिलीनियम आयन। ठीक है, ये बन गया इसका एनिलीनियम आयन एनएच थ्री पॉजिटिव, और ये ईडीजी ग्रुप लगा हुआ है। ईडीजी ग्रुप क्या करता है, ईडीजी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, डिमिनिश कर देता है। पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करता है, डिस्पर्स करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करेगा, चार्ज डिमिनिश होगा तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी, चार्ज अगर डिमिनिश होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज। और अगर सीए ज्यादा स्टेबल होता है तो बेस की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, सीए की स्टेबिलिटी, क्योंकि हमको पता है किसी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंस ये तो पता ही है हमको कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स सीए, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स सीए, इसकी सीए की स्टेबिलिटी के, सीए मतलब कौन सी एसिड, इसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है। ठीक है, ये रिलेशन तो हमको पता ही है, आ गया। तो सीए जितना स्टेबल होता जाएगा बेस उतना ही पावरफुल होता जाएगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से सीए की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। आगे समझ में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या ग्रुप क्या करता है, दोनों काम करता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है और साथ में सीए की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, चार्ज को डिमिनिश करके, उसके नाइट्रोजन के चार्ज को डिमिनिश करके वो सीए की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, और फिर जिसका सीए जितना स्टेबल हो जाता है वो बेस उतना ही पावरफुल हो जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है, ये तो बात हुई जब हमने ग्रुप लगाया कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ग्रुप लगाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मान लीजिए अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, ये लीजिए, मान लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ईडब्ल्यूजी पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां से विड्रॉ करेगा, फिर यहां से विड्रॉ करेगा, तो यहां से भी विड्रॉ करेगा, आ रही बात समझ में, तो ये यहां से विड्रॉ कर लेगा। अब ये लोन पेयर क्या इजीली डोनेट हो पाएंगे, मतलब कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी एलपीए लोन पेयर अवेलेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में लोन पेयर अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, कि विड्रॉइंग ग्रुप है उसने यहां से लिए, यहां से लिए तो यहां से भी ले लिए, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर अगर इसके अपन है ना, इसके अगर सीए की बात करें तो सीए ये लो, इसका सीए एनएस थ्री पॉजिटिव और ये लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, इंटेंस कर देगा, चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे क्या, चार्ज हो जाएगा इंटेंस, और चार्ज अगर इंटेंस हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। ठीक है, तो अब ये सीए उस वाले सीए से क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। अगर दोनों के सीए कंपेयर करें तो ईडीजी ग्रुप वाला जो सीए है वो है मोर स्टेबल सीए, ईडीजी वाला ग्रुप जो सीए है वो मोर स्टेबल है, ये वाला सीए कैसा है, लेस स्टेबल। और फिर जिसका सीए कम स्टेबल होगा तो बेस कैसा होगा, वीक बेस होगा, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, वीकर बेस, क्या हो जाएगा, वीकर बेस। आ गया, ईडीजी वाला कैसा था, ये है स्ट्रॉन्गर बेस, ये कैसा बेस है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, आ गया समझ में, है ना। तो क्या करते हैं ग्रुप का क्या इफेक्ट रहता है, ईडीजी ग्रुप जो है वो दो चीज करेगा, लोन पे की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, सीए को बनाएगा मोर स्टेबल और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, लोन पे की अवेलेबिलिटी को कम कर देंगे और सीए को बना देंगे अनस्टेबल, लेस स्टेबल कर देंगे, और उससे फिर इसकी बेसिक पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आ गया, तो ये था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उनका इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पर। ठीक है, आओ अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, कैसे है ना, पहले कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो, कुछ ग्रुप जो कॉमन है वो देख लेते हैं, है ना। लो एग्जाम्पल ऑफ किसके, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एग्जाम्पल आता है जैसे OH ग्रुप का है। ठीक है, OCH3 ग्रुप, मतलब कि OR ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप का भी इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में बन जाता है ये भी, एल्काइल ग्रुप मतलब, है ना। खुद NH2 ग्रुप भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, मतलब एक और NH2 लगा दे तो, इस तरह से। ठीक है, ये हो गए। तो
एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में देखें तो क्या मोस्ट कॉमन जो है वो है नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, सी एच ओ ग्रुप, सी ओ ओ एच ग्रुप, ठीक है, साइनाइड ग्रुप, एसओ थ्री एच ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बेसिस स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बेसिस स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अगर अपन यहां पे कंक्लूजन के फॉर्म में लिखे हैं, दस क्या कंक्लूजन के फॉर्म में लिखे तो ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एलपीए को कर देते हैं क्या इंक्रीज, एलपीए मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ सीए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, उसको भी क्या कर देंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। और इस तरह से फिर बेसिक पावर को क्या कर देंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का तो ये है, आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ सीए को इंक्रीज कर देंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देंगे, ये लो एलपीए लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ सीए क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ सीए कम हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ सीए कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहता है, आ गया, तो ये ग्रुप का इफेक्ट है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ठीक है, आगे ये वाली बात है सुन में, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अपन को ये तीन कंपाउंड गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है, एक टर्म को ये लो एनिलीन की पैरा पोजीशन पे लगा रखा है, क्या पैरा पोजीशन पे लगा रखा है, एक तो नाइट्रो, ठीक है, एक तो लगा रखा है नाइट्रो ग्रुप, एक एनिलीन खुद है, ठीक है, एक एनिलीन और एक है क्या पैरा पोजीशन पे क्या लगा रखा है, ओ सी एस टी मतलब कि मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, ये लगा रखा है। और इन तीनों की बेसिस स्ट्रेंथ हमसे पूछिए, क्वेश्चन ये गिवन है कि इनको बेसिस स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो देख लो एनिलीन तो क्या है, एनिलीन में तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है, तो मेन तो अपन इन दोनों को ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो पहले नाइट्रो वाला अगर देखें, नाइट्रो वाले में देखें, ये लो ये एनएच टू, ये लगाए यहां पे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप में जो एनओ टू ग्रुप जो है उसका इफेक्ट कौन कौन से, उसके कौन कौन से इफेक्ट है, इसका एक तो है माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इसका नेगेटिव, एम इफेक्ट भी इसका कैसा है नेगेटिव। तो माइनस आई और माइनस एम तो ये बॉन्ड से भी पुल करेगा और रिंग से भी क्या करेगा उठाएगा, है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी पुल करेगा और रिंग के इलेक्ट्रॉन को भी गेन उठाएगा, है ना। तो ये माइनस एम इफेक्ट है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो माइनस आई इफेक्ट है, और इन दोनों इफेक्ट की वजह से अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो गई है, आ गया। तो अब ये कैसा बेस हो जाएगा, वीकर बेस हो जाएगा। अब अगर इसके सीए की भी बात करें, ये लो अगर इसका सीए हमने बना लिया, ये हमने इसका बना लिया सीए, ये पॉजिटिव और ये नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, इंटेंस कर देगा। नाइट्रो ग्रुप इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, इंटेंस कर देगा। और चार्ज अगर इंटेंस हो जाएगा, चार्ज अगर इंटेंस तो स्टेबिलिटी क्या, स्टेबिलिटी कम, ठीक है, आ गया। ये तो क्या किसका, नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट, ये लिया ए, ठीक है। अब ओसीएसटी लेते क्योंकि एनिलीन पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं ओसीएसटी ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ा है, ओसीएसटी ग्रुप के साथ क्या है, देखो ओसीएसटी ग्रुप उसके इफेक्ट कौन कौन से, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ये ओसीएसटी, अब इसका आई इफेक्ट कैसा है, आई इफेक्ट तो इसका माइनस आई है, आई इफेक्ट तो कैसा है इसका माइनस आई, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को तो पुल कर रहा है। बट इसका एम इफेक्ट कैसा है, एम इफेक्ट है इसका प्लस वाला, ठीक है, ये इसके इफेक्ट है माइनस आई एंड प्लस एम। बट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई और प्लस एम में से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है, प्लस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है। इसलिए इसका
ओवरऑल जो नेचर बनेगी वो कैसे बनेगी, ईडीजी नेचर बनेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बनेगी। कैसे बनेगी ये, मतलब कि कैसा ग्रुप बनेगा, ईडीजी, ओवरऑल इसकी डोनेटिंग नेचर बनेगी। ये विड्रॉइंग था, अब ये डोनेटिंग है, ठीक है। अब अगर ये डोनेटिंग है तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या कर रहा है, एल पी ए को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो अच्छा बेस बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या, अगर सी ए की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये ओ सी एस थ्री, तो फिर अब ये क्या कर रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चार्ज को डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, चार्ज अगर डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ सी ए क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ सी ए इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब ये मोर स्टेबल सी ए है, ये कैसा सी ए है, ये मोर स्टेबल सी ए, और ये कैसा सी ए, ये लेस स्टेबल सी ए। इसलिए फिर बेसिस स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, बेसिस स्ट्रेंथ आ जाएगी किसकी, पैरा मिथॉक्सी एनिलीन मोर बेसिक होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन से, ठीक है। और अब ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है, तो ये एनिलीन तो बीच में आ ही जाएगा अपने आप ही। तो बेसिस स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बना, अगर इनको अपन नंबर डाल दें कि नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, तो इनकी बेसिस स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो साइड में लिखते हैं क्या बना, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ गया इनका, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया कि फर्स्ट सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंड और फिर थर्ड सबसे, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिए है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लेते, फर्स्ट सबसे वीक, फिर सेकेंड और फिर थर्ड वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, आ गया समझ में। तो ये इनकी बेसिस स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। अगर हमसे केबी या पीकेबी के ऑर्डर पूछे, केबी का ऑर्डर पीकेबी का ऑर्डर, तो ऐसे ऑर्डर इनका बना सकते हैं, केबी, केबी का ऑर्डर तो क्या होता है, केबी का ऑर्डर तो वही होता है जो बेसिस स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो केबी का ऑर्डर तो सेम ही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सबसे ज्यादा, ठीक है। और अगर पीकेबी की बात करें तो पीकेबी क्या होता है, केबी का जस्ट अपोजिट होता है। तो पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सेकेंड का कम हो जाएगा और थर्ड का सबसे कम हो जाएगा, आ गया। तो ये इनके केबी और पीकेबी के ऑर्डर भी हो जाते हैं, आ गया। तो इस तरह से ग्रुप का इफेक्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से बेसिस स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन वगैरह इस पे क्वेश्चन मिलता रहता है अपन को, नाइट्रो पे, मिथॉक्सी पे, इन पे, है ना, आ गया सर में ये।